स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर, बिजनेस रिस्क नेचर एंड कॉजेस। सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि बिजनेस रिस्क है क्या। सो बिजनेस रिस्क क्या है, कहते हैं कि कुछ भी जो अनसर्टन है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में बिजनेस में फ्लड जो है वो आ सकती है, या अगर हमारा कोई सामान पड़ा है, या फ्यूचर में हमें कोई लॉस हो सकता है। ठीक है, जिन चीज़ों के बारे हमें नहीं पता बट हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से या तो हमें लॉसेस हो रहे हैं या हमें कम प्रॉफिट हो रहे हैं, उसको कहते हैं रिस्क। एक बात ध्यान में रखना कि अगर किसी बिजनेस में आपने या किसी भी चीज़ में आपने पैसा लगाया है, जहाँ पे भी आपने मनी इन्वेस्ट करी है वहाँ पे रिस्क होएगा ही होएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप लोगों ने जो मनी जो आप लोगों ने पैसा लगाया है, अगर तो वो ज़्यादा पैसा लगाया है, ठीक है, जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे, जितनी मनी आपकी ज़्यादा होएगी, उतना ही रिस्क आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, मैंने ये पहले भी चीज़ बताई थी कि अगर आप मनी जितना पैसा लगा रहे, जितनी कैपिटल एक बिज़नेस में ज़्यादा इन्वेस्ट होएगी, रिस्क उतना ज़्यादा होएगा। अगर एक बिज़नेस लार्ज है, ठीक है, तो रिस्क ज़्यादा, अगर बिज़नेस स्मॉल है तो रिस्क कम। अब इसका फंडा क्या है कि अगर लार्ज बिज़नेस है तो पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ था ना, वहाँ पे मशीनरी ज़्यादा होएगी, रॉ मटेरियल ज़्यादा पड़ा होएगा, तो रिस्क ज़्यादा। अगर कोई बिज़नेस स्मॉल है, छोटा बिज़नेस है, तो मशीनरी भी वहाँ पे कम होएगी, वहाँ पे आपने पैसा भी कम लगाया होएगा, तो रिस्क भी आपका क्या होएगा, कम। सो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी चीज़ में आपने पैसा ज़्यादा लगाया है तो आपको रिस्क जो है उसका नुकसान है वो ज़्यादा होएगा। अब जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, इसको दोबारा से थोड़ा मैं जूम कर रही हूँ, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। जो डेफिनेशन इन्होंने लिखी है, इट रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। दो चीज़ों की बात करिए, एक इन्होंने बात करी है या तो प्रॉफिट आपको इनएडुकेट हो रहे हैं, या तो प्रॉफिट आपको कम हो रहे हैं, जितने होने चाहिए थे वो एडुकेट नहीं है, वो कम है आपके, या आपको उसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कहते हैं अगर ऐसे बिजनेस में सिचुएशन है तो उसको क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क। अब यहाँ पे इन्होंने सब लिख दिया है कि कुछ भी जो इनडेफिनेट है, जो अनसर्टेन है फ्यूचर में, जिसके बारे में हमें नहीं पता या प्रॉपरली हमें उस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि इसी टाइम के ऊपर ये चीज़ होएगी, उसको रिस्क कहते हैं। ये सारा इन्होंने ये चीज़ लिखी हुई है। दूसरी बात, अगर मुझे ये पता हो कि फ्यूचर में फ्लड आएगी ही आएगी और इस दिन को आएगी, तो मैं तो पहले ही उस चीज़ को जो है अपनी चीज़ों को प्रॉपरली प्रिजर्व करके रख लूँगी, संभाल के रख लूँगी, वेयर हाउस चेंज कर दूँगी, फिर तो रिस्क ही नहीं हो सकता किसी को। तो अगर वो चीज़ सर्टन है तो फिर रिस्क किस चीज़ का, वो चीज़ होएगी अनसर्टन, फिर आपको होएगा रिस्क। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है उन्होंने ये चीज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिखी है, आप लग से ऊपर डेफिनेशन दे के ये चीज़ दे के दोबारा आप ये एग्जांपल लिख सकते हो कि आपको रिस्क किस किस तरीके का हो सकता है। फर्स्टली, डिक्लाइन इन सेल्स ड्यू टू सडन चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। एक तो सेल्स कम हो गई हैं, क्यों हुई हैं, क्योंकि कंज्यूमर के टेस्ट, कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई है। आप लोगों ने बहुत सारी प्रोडक्शन करी थी, टॉप, जीन्स या और सामान आप लोगों ने बनाया था, पर कंज्यूमर जो है अब वो नहीं लेना चाहता, उसका टेस्ट चेंज हो गया है, वो कहता है कि हमने जीन्स ही नहीं पहननी, हमने सूट डालने हैं। तो फिर इसका मतलब जो आप लोगों ने इतनी क्वांटिटी, इतनी जो रॉ मटेरियल या जो भी चीज़ें आप लोगों ने बनाई थी, फिनिश गुड्स बनाई थी, वो आपकी वेस्ट, आपको नुकसान, रिस्क हो गया उस चीज़ का। फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गई, सेकेंड एग्जाम्पल पढ़िए। एंट्री ऑफ मैनी कॉम्पिटिटिंग फर्म्स इन द मार्केट एंड कॉन्सिक्वेंट डिक्लाइन इन प्रॉफिट। अगर कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया, पहले नोकिया था मोबाइल फ़ोन, तो लोग वही खरीदते थे, उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा थी, अपने टाइम पे नोकिया ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। बाद में सैमसंग आ गया, अब वीवो, ओप्पो, इतने कॉम्पिटिटर हैं कि हर किसी ने सारे फीचर्स एक ही मोबाइल फ़ोन में दे दिए और कम प्राइस के ऊपर। सो जितने कॉम्पिटिंग फर्म्स आप लोगों की ज़्यादा आएंगी, जितने कॉम्पिटिटर्स आप लोगों के ज़्यादा आएंगे, उतने ही आप लोगों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम, क्योंकि आपके कंज्यूमर डिवाइड हो जाएंगे, कुछ आपसे चीज़ें लेंगे, कुछ साथ वाली शॉप से लेंगे, कुछ कोई और प्रोडक्ट ले लेंगे। सो फर्स्ट समझ में आ गया, या तो कहते कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है,
यहाँ करते कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए हैं, और लास्ट में लिख दिया है कि प्रोडक्शन स्टॉप हो गई है ड्यू टू वर्कर स्ट्राइक और डैमेज कॉस्ट बाय अर्थक्वेक थेफ्ट एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। पहले उन्होंने बता दिया ये चीज़ें दोनों क्लियर हो गई। अब तीसरी उन्होंने बता दिया कि जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, अगर वर्कर स्ट्राइक कर देंगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी आप लोगों की, बंद हो जाएगी। प्रोडक्शन बंद होगी तो सेल क्या करोगे आप, प्रॉफिट क्या कमाओगे, रिस्क है ना। अगर आपको पहले से पता हो कि वर्कर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं तो प्रोडक्शन कभी बंद ही नहीं होएगी, तो लॉस कभी होएगा ही नहीं, तो रिस्क का नाम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हम लोगों ने ध्यान में देनी है कि रिस्क क्या है, जो फ्यूचर में अनसर्टेन चीज़ें हैं आपके बिजनेस के साथ होती हैं, जिसकी वजह से या प्रोडक्शन आप लोगों की रुक रही है, प्रॉफिट आपके कम आ रहे हैं, या आपको लॉसेज ही आ रहे हैं कि प्रॉफिट तो आया ही नहीं, लॉस ही आ गया आप लोगों को। ठीक है जी, सो इन्होंने यहाँ पे एक फर्स्ट डेफिनेशन दिया, कोई भी कर सकते हो। रिस्क इज़ अ चांस ऑफ लॉस, फ्यूचर में कुछ भी होएगा उसकी वजह से लॉस हो सकता है, अदरवाइज प्रॉफिट कम हो सकते हैं। इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अक्रेंस, तो पता ही है कि जो रिस्क है वो अनफेवरेबल है, कोई फेवर में तो हमारे रिस्क होता ही नहीं है ना, फेवर में तो प्रॉफिट होते हैं हमारे। ठीक है जी, तो ये आपका मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचर क्या है बिजनेस रिस्क का। फर्स्टली उन्होंने लिखा है रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क किसकी वजह से हो रहा है, अनसर्टेनिटी की वजह से, जो चीज़ें आप लोगों की सर्टेन नहीं है। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो फ्यूचर में चेंज हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको लॉस हो सकता है, फर्स्ट वन लिखा है ह्यूमन अनसर्टेनिटी। लोगों की वजह से अगर मुझे लॉस हुआ, लोगों की वजह से कैसे हो सकता है, मेरे वर्कर स्ट्राइक पे चले गए हैं, मेरे जो वर्कर थे ठीक है उन्होंने बीच में से चोरी करनी स्टार्ट कर दी है, या बाहर से लोगों ने आके मेरा सामान चोरी कर लिया, लोगों की वजह से हुआ है सामान चोरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट वन, फर्स्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सेकंड लिखा है बिजनेस अनसर्टेनिटी, ह्यूमन की वजह से क्या हो रहा है हमने पढ़ लिया। अब बिजनेस की वजह से कुछ लॉस होएगा, जैसे कहते कि आप लोगों ने रॉन्ग असेसमेंट ऑफ डिमांड कर ली। असेसमेंट होता है इवेलुएट करना, कैलकुलेट करना। फ्यूचर में आपने आपको लगा कि भी सर्दी आने वाली है, लोग जो हैं वो स्वेटर या आपकी जैकेट वगैरह की ज़्यादा डिमांड करेंगे, आपने बहुत सारी प्रोडक्शन कर ली, इतनी ज़्यादा ठंड हुई नहीं, लोगों ने चीज़ें नहीं खरीदी। रॉन्ग असेसमेंट ऑफ डिमांड, आपने जो रॉन्ग डिमांड की कैलकुलेशन करनी थी कि डिमांड कितनी होएगी, उतनी डिमांड नहीं हुई, इसका मतलब जो आपका सामान है वो अनसोल्ड, वो सेल ही नहीं हुआ, आपके पास ही रह गया, गोडाउन में पड़ा रह गया, लॉस हो गया। सेकेंडली चेंज इन प्राइसेस, आपको लगा था चीज़ें जो हैं वो जैसे उसका नॉर्मल प्राइस है ₹20 तो 20 की बिकेंगी, पर डिमांड लोगों की जो प्रोडक्शन थी वो इतनी ज़्यादा हो गई या जगह जगह पे हर लोगों ने इतना प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया कि डिमांड जो प्राइस है डिक्लाइन होकर ₹10 रह गया, लोग ₹10 से ज़्यादा पे करने के लिए रेडी नहीं है। ₹20 से डिमांड कितनी हो गई, ₹10, तो ₹10 का आपको क्या हो गया अब लॉस, या तो प्राइस चेंज हो गए या आप लोगों ने डिमांड गलत कैलकुलेट कर ली, तो बिजनेस रिस्क। नेचुरल अनसर्टेनिटी, ना तो किसी बिजनेस की वजह से रिस्क हुए, मतलब कि ना तो डिमांड में कोई चेंज आए, ना प्राइस में चेंज आए, ना कॉस्ट में चेंज आए, ना किसी लोगों ने आके चोरी करी है, बट नेचुरली जिसको आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे उसकी वजह से लॉस हो गया। जैसे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो सारा कि कोई अर्थक्वेक आ गया है, क्या सूखा पड़ गया कहीं पे, बर्फबारी हो गई है ज़्यादा, या कोई महामारी फैल गई है, तो उसकी वजह से आपको कोई भी लॉस हो गया। नेक्स्ट वन आता है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क हर बिजनेस का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर लोगों को पता लगे कि बिजनेस में रिस्क ही नहीं है तो लोग जॉब छोड़ के बिजनेस क्यों ना स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो ये वही वाला फैक्टर है जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को समझाया था कि अगर मनी किसी बिजनेस में ज़्यादा है तो रिस्क भी क्या होएगा, ज़्यादा। लास्ट में इन्होंने लिखा है रिस्क कैन बी सर्टनली मिनिमाइज्ड। अब कहते हैं जो रिस्क है वो आप कम कर सकते हो, बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पता है कि मेरा जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जैसे
किसी चीज़ को आग लग सकती है या वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, मैं क्या करूँगी, कुछ चीज़ें मतलब एक ही गोडाउन में नहीं रखूँगी, मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में अपने सामान जो है वो आगे सर्कुलेट कर दूँगी, तो ताकि अगर एक ही जगह पे नुकसान हो तो सारा चीज़ें आप लोगों की सारी ख़राब ना हो, कुछ आपकी लुधियाना में पड़ी हैं, कुछ आपकी अमृतसर में आपने गोडाउन में रखी हैं, तो बाकी चीज़ें बच जाएंगी। मतलब रिस्क तो हुआ फिर भी, बट मिनिमाइज़ कर दिया आपने, जहाँ पे आपका सारा सामान ख़राब होना था वहाँ पे आपका कम सामान ख़राब हुआ। आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, जो क्रैकर्स वगैरह बनाती हैं इंडस्ट्रीज़, अगर वो सारे पटाखे एक ही जगह पे पड़े होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान होता है। अगर वही वो डिफरेंट डिफरेंट गोडाउन में रख दें तो यानी कि अगर एक को भी आग लगेगी बाकी चार तो सेफ रहेंगे आप लोगों के, ठीक है। ये आप लोगों का है कि रिस्क आप कम कर सकते हो, मिनिमाइज़ कर सकते हो, पर बिल्कुल इलेमिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज़ ऑफ बिजनेस। आपको मैंने सबसे पहले बताया, लार्ज जितना साइज़ होएगा बिजनेस का उतना ही रिस्क ज़्यादा, अगर स्मॉल साइज़ बिजनेस होएगा तो डिग्री ऑफ रिस्क भी क्या होएगा एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस कम होएगा। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट इज़ कंसिड्रेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। अगर आपने प्रॉफिट लेना है तो उसके लिए रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था इस चीज़ के बारे में, दोबारा एक्सप्लेन करते, पहले पढ़ते इन्होंने क्या लिखा है। वट एवर अ बिजनेस मैन गेट्स फ्रॉम फॉर टेकिंग रिस्क इज़ प्रॉफिट। मैं जितना ज़्यादा रिस्क लूँगी मुझे उतना प्रॉफिट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 10,000 रुपये शेयर्स में लगाए, ठीक है, तो मुझे रिटर्न आया 1,000 रुपये। देखो, शेयर्स में पैसा लगाने का मतलब यह है कि अगर कल को प्राइस गिर गए तो नुकसान होएगा, पर मैंने 10,000 रुपया लगा दिया और मुझे 10,000 प्रॉफिट आया। अगर यही मैं रिस्क कम लेती, मैं 100 रुपये लगाती तो कितना आता आप लोगों को, 1 रुपया पीछे रिटर्न एक आता। या वैसे कोई भी आप एग्जांपल लेना चाहते हो किसी भी तरीके की, आप ले सकते हो कि जितना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे रिटर्न उतना ही ज़्यादा आएगा। जितना मेरा बैंक में पैसा पड़ा होएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट उतना ज़्यादा मिलेगा ना, तो अगर मैंने बैंक में पैसा रखा ही नहीं तो मुझे इंटरेस्ट किस चीज़ का मिलना, कम मिलेगा ना। तो जितना यहाँ पे इसलिए उन्होंने लिखा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट तब ज़्यादा होएगा अगर रिस्क आप ज़्यादा लोगे, ठीक है, अदरवाइज कम होएगा। यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर है कि बिजनेस क्या है, उसका नेचर क्या है। लास्ट पॉइंट नेचर का रहता है, रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। पहले हमने पढ़ा कि अगर साइज़ बड़ा है बिज़नेस का तो रिस्क ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब इन्होंने लिख दिया डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस किस तरीके का है मेरा, मेरा बिज़नेस ट्रेडिंग बिज़नेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, ड्यूरेबल गुड्स के साथ डील करता है, पेरिशेबल गुड्स के साथ डील करता है, मैंने ये डिसाइड करना है। फर्स्ट इन्होंने लिखा है कि अगर आपका बिज़नेस जो है वो डेली यूटिलिटी की चीज़ों के साथ डील करता है, पेरिशेबल गुड्स के साथ डील करता है, या क्योंकि आप सॉल्ट पल्सेस को पेरिशेबल नहीं ले सकते बट अदरवाइज डेली यूटिलिटी ही सही रहेगा, तो इन चीज़ों के, ये चीज़ें आप लोगों की क्या हैं, देखो चाहे महंगाई बढ़ जाए, चाहे लोगों की डिमांड चेंज हो जाए, चाहे लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो जाए, खाना तो नहीं छोड़ेंगे ना, सॉल्ट पल्सिस आटा ये तो वो लेंगे ही लेंगे, तो कहते इस केस में कहते रिस्क आपको क्या है, कम है। अब लाइन पूरी पड़ी, इन द बिजनेस ऑफ डेली यूटिलिटी थिंग्स लाइक सॉल्ट पल्सिस आटा एक्सेट्रा द अमाउंट ऑफ रिस्क इज लेस। ऑन द अदर हैंड अगर आप लोगों का बिजनेस क्या है, कोई फैशन वाला बिजनेस है, तब आप लोगों को रिस्क क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिस्क अगर आपका फैशन चेंज हो गया तो लोग चीज़ें खरीदनी बंद कर देंगे, फैशन के बिना उनकी ज़िंदगी चल सकती है, ठीक है, तो इसलिए उनका रिस्क क्या है, ज़्यादा। और अगर डेली यूटिलिटी है तो रिस्क आपको क्या है, कम, क्योंकि आपको पता है जितना मर्ज़ी आपका प्राइस ज़्यादा हो जाए, जिसको सॉल्ट चाहिए 2 पैकेट चाहिए वो 2 पैकेट सॉल्ट लेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं बिज़नेस रिस्क के कौन कौन से कॉजेज़ हैं, कारण कौन कौन से हैं। हमने जस्ट छोटा सा करा था तब कि लोगों की वजह से हमें रिस्क हो सकता है, ह्यूमन कॉजेज़ हो सकते हैं, नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से, ठीक है, कोई बारिश हो गई, फ्लड आ गई या कुछ भी ऐसा हो गया तो रिस्क है, या फिर प्राइस या डिमांड चेंज हो गई तब भी हमें रिस्क है,
हमने थोड़ा बहुत तो मीनिंग तो वहाँ पे भी करा था, अब हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे। फर्स्ट वन लिखा है हाउ बिजनेस सॉरी बिजनेस रिस्क इज क्रिएटेड ड्यू टू एनी रीजन, जो हम लोग अब नीचे पढ़ेंगे इनकी वजह से बिजनेस जो है वो आपका क्रिएट हो सकता है। फर्स्ट वन है आपके नेचुरल कॉजेज, दीज इंक्लूड दोज कॉजेज विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन। आप लोग कंट्रोल कर सकते हो कि अर्थक्वेक आने वाला है, आप ना आए वो अर्थक्वेक ना आए, आप किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। रिस्क मिनिमाइज हो सकता है, पर ये नेचुरल जो लॉस है आप लोगों का, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैन कैन ओनली थिंक अबाउट देम एंड कैन नॉट से एनी थिंग डेफिनेटली अबाउट देम, तो वो कुछ कह नहीं सकते या चेंज नहीं कर सकते। इसके तीन पार्ट्स हैं, पहले हम तीन पार्ट्स करते हैं कि ये कौन से तीन पार्ट्स की वो बात कर रहे हैं। ठीक है जी, फर्स्ट वन लिखा हुआ है इन्होंने नेचुरल कॉजेज में सीजनल चेंजेस। अगर यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल आप लोग पढ़ सकते हो, सीजन की वजह से कोई भी चेंज आ रहा है, ठीक है, आपको पता है कि अगस्त के मंथ के आसपास बारिश ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से आपका सामान ख़राब हो सकता है, ठीक है, इस टाइम पीरियड में ज़्यादा गर्मी है तो सामान ख़राब हो सकता है, सीज़न की वजह से भी लॉस हो सकता है, तो आप लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है, बट प्रॉपरली अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ भी आप स्नोफॉल फायर ड्रॉट ये सब पढ़ सकते हो, एग्जांपल से समझ में आ रहा है। सेकेंड लिखा है जियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, जैसे आपका अर्थक्वेक वगैरह हो गया, ठीक है, अर्थ की वजह से, ठीक है, कोई इम्बैलेंस हो गया है तो उसकी वजह से कोई ऐसा रीज़न हुआ है, ठीक है, तो आपका नुकसान तब भी होएगा। देन लास्ट वन है आपका अदर नेचुरल क्लैमिटीज़, जो इन चीज़ों में नहीं आया, जो फ्लड में अर्थक्वेक में चीज़ें कवर नहीं हुई, अब उसके बाद आ गई कि बिजली गिर गई, ठीक है, आप लोगों के कोई एटमॉस्फेयर में ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, उसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है आप लोगों को, या उन्होंने लिख दिया है कि जो आप लोगों की फसलें वगैरह थी उनके ऊपर जो कीड़ा वगैरह लग गया, तो ये नेचुरल था, मैन कंट्रोल नहीं कर सकता था, बट या हाँ दवाइयाँ वगैरह छिड़क के उनको कंट्रोल कर सकता था, थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकता था, ये आप लोगों के आते हैं नेचुरल कॉजेस। यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं ह्यूमन कॉजेस। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सारी पढ़ी होंगी पहले। ह्यूमन कॉजेज में हम लोगों ने पढ़ा था, अभी पीछे पढ़ के आए, ह्यूमन कॉजेज कौन से थे? लोगों की वजह से जो हम लोगों को लॉस हुआ। अब देखो, जब मैं लोगों की बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में काम कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं उनकी वजह से मुझे लॉस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक फैक्ट्री में काम करें सिर्फ वही चोरी करेंगे। हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोग हैं वो अंदर आके चोरी कर दें, ठीक है, तो दोनों के हम लोग जो है बात करेंगे। तो फर्स्ट जो ये लाइंस लिखी हैं ये सारा पढ़ लेना कि लोगों ने प्रॉपर केयर नहीं करी चीज़ों की, ईमानदार नहीं निकले, ठीक है, वो पेशेंस नहीं था उनमें, ठीक है, ज़्यादा स्ट्राइक करने लग गए थे, या उनमें इतना ज़्यादा समझ नहीं थी कि उनको पता ही नहीं था कि इन चीज़ों को आग के पास नहीं रखना, ठीक है, इनको पानी के पास नहीं रखना, तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ह्यूमन पार्ट के अंदर जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है, ठीक है जी। अब कहते कौन कौन सा लॉस है, फर्स्ट वन पढ़ते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ लेना, बहुत इजी लिखी हुई है फर्स्ट लाइन में, ठीक है, क्लियर करा हुआ उन्होंने प्रॉपरली। अब फर्स्ट आता है डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़, जो मैंने अभी बात करा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा, फर्स्टली स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स और मनी, या तो चीज़ों को चोरी करना स्टार्ट कर दिया या पैसा चोरी करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है इनका, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में लोग काम कर रहे हैं वही चोरी करेंगे। मैंने आपको क्या बोला था, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी लोग काम कर रहे हैं जिनकी वजह से आपको लॉस होएगा। यहाँ पे लिख दिया उन्होंने बाय कस्टमर्स, इन द कस्टमर्स स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स। अब जब कस्टमर जो चीज़ों को चोरी करना स्टार्ट कर दिया है और अनएबल टू मेक मनी सॉरी मनी और पेमेंट वट एवर, कहते या तो चीज़ों को उन्होंने चोरी करना स्टार्ट कर दिया या उधार लेके चीज़ लेके गए थे, पैसा नहीं पे करा उन्होंने, आर अनएबल टू मेक पेमेंट और डिलिबरेटली रिफ्यूज टू मेक पेमेंट। देखो, या तो पेमेंट नहीं कर पा रहे, अनएबल टू मेक पेमेंट मतलब वो करना चाहते हैं बट उनके पास पैसा नहीं है। सेकेंडली लिख दिया उन्होंने डिलिबरेटली,
अपनी मर्जी से बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं पे करेंगे जबकि उनके पास पैसा है। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है बट मीनिंग एक ही निकलता है कि वो पेमेंट नहीं कर रहे, या तो वो खुद पेमेंट नहीं कर रहे या उनकी इतनी अभी कैपेसिटी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है कि वो पेमेंट करें। तो कहते हमें तो रिस्क हो गया ना। नेक्स्ट आता है स्ट्राइक एंड लॉकआउट। दोनों चीज़ों को ध्यान से सुनना। स्ट्राइक और लॉकआउट का वही रिजल्ट यही है कि प्रोडक्शन होनी बंद हो गई है। बट स्ट्राइक का मतलब ये है कि जब वर्कर्स क्या करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है, फैक्ट्री के बाहर जाके। आपको पता ही है स्ट्राइक धरना लगा के बैठ जाते हैं कि हमारी जो डिमांड है उनको फुलफिल करो, तो वो स्ट्राइक है। लॉकआउट का मतलब ये है जब आपकी सीज़न की वजह से, क्योंकि जब देखो स्वेटर वगैरह आपके गर्मियों में बनते हैं और विंटर में उसकी जो है वो प्रॉपर सेल करते हैं उनको, तो वर्कर्स की डिमांड सिर्फ 6 महीने है, बाकी 6 महीने हमें वो नहीं पर्सन चाहिए, या किसी भी तरीके से जो बिजनेस है उसको बंद कर दिया गया है, लॉकआउट, लॉक लगा दिया है। तो लॉक की वजह से मतलब वो बिजनेस अभी प्रोडक्शन नहीं होगी वहाँ पे। तो दोनों चीज़ें वहाँ पे हो गई कि चाहे जो मर्जी हो, बिजनेस बंद करे चाहे लोग जो है प्रोडक्शन बंद कर दे, पर प्रोडक्शन तो बंद हो रही है। प्रोडक्शन बंद होएगी तो आपको जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाएगा, बंद होएगा, क्योंकि सेल कुछ भी नहीं होने वाला। Sometimes there is this dissatisfaction among laborers because of the decision taken by the manager. Manager ने जो भी decision लिया है उसकी वजह से आप लोग जो है वो satisfied नहीं हो, और आप लोगों ने क्या है working carelessly, कि जो आपके organization में employees काम कर रहे हैं उन्होंने बहुत careless दिखाई, ठीक है, वो उनको पता भी है कि साथ में जो है वो पेट्रोल या डीजल पड़ा हुआ है, वो सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं तो उसकी वजह से आग लग सकती है, तो जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या कोई और रीज़न हो सकता है। तो कहते हैं ये वर्कर्स की वजह से आपको क्या हुआ है, नुकसान, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली टेक केयर नहीं करी। जो भी ये चीज़ें हुई हैं, ये इनका जो इनका मेन रोल किस चीज़ का है, ठीक है, किस पर्सन का है, ह्यूमंस का, ठीक है, या तो वो डिसऑनेस्ट हैं, या तो ह्यूमन ही ना, तो या वर्कर्स हैं उन्होंने लॉकआउट कर दिया है, या उन्होंने प्रॉपरली टेक केयर नहीं करी। अब जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारी इकोनॉमिक कॉजेस। अब फर्स्ट वन लिखा है कि जब इकॉनमी में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं या मार्केट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो अल्टीमेटली वो किसको जो है इफ़ेक्ट करते हैं, बिजनेस को, ठीक है। अगर तो वो पॉजिटिव चेंजेस हैं तो हमें प्रॉफिट आएगा, अगर वो नेगेटिव चेंजेस हैं तो बिजनेस में लॉस हो सकता है। फर्स्ट वन इन्होंने क्या लिखा हुआ है, चेंज इन फैशन, मार्केट में फैशन चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जितनी प्रोडक्शन आप लोगों ने करी हुई है वो प्रोडक्शन अब क्या हो जाएगी, सेल नहीं होंगी वो सारी चीज़ें, वो आपकी गोडाउन में एज इट इज़ पड़ी रहेंगी। अगर वो चीज़ें स्टॉक आपका क्लियर ही नहीं होएगा तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ठीक है। सो कहते हैं यहाँ पे जो आपकी गुड्स हैं दैट रिमेन कन्फाइंड टू गोडाउंस, वो आपकी वेयर हाउस में ही वहीं पर पड़ी रहेंगी, तो वो ख़राब भी हो सकती हैं, प्रॉफिट तो आपको देने वाली नहीं है। तो कहते हैं लोग जो हैं कंज्यूमर, अगर उनका फैशन चेंज हो गया तो वो परचेज नहीं करना चाहेंगे उन गुड्स को, इवन एट रिड्यूस्ड प्राइस, चाहे आप उनकी सेल भी लगा दो। जो लोग जिन लोगों ने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या फैशनेबल प्रोडक्ट्स लेने हैं वो आपकी चीज़ें सेल पे भी नहीं लेंगे, ये आपको फर्स्ट नुकसान है। सेकेंड क्या लिखा है, चेंज इन प्राइजेस। आपने हम लोगों ने ये पहले भी मैंने आपको कराया था ना कि जो फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशन मतलब यहाँ तो प्राइस आप लोगों का ज़्यादा हो रहा है या आपका प्राइस कम हो रहा है, ज़्यादा का तो हमें प्रॉफिट है, कम का ही हमें रिस्क होएगा, ठीक है। तो फ्यूचर में प्राइस ना किसी चीज़ का कम हो जाए, ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। हाँ जी, हम लोगों ने कौन सी एग्जाम्पल ली थी, नोकिया की, कि नोकिया पहले जो था वो किंग पिन था मार्केट का, ठीक है, वही एक ऐसा जो है हम बोल सकते हैं मोबाइल फ़ोन था जो सबसे ज़्यादा सेल होता था, बट राइट नाउ वो क्या है, ऑलमोस्ट अबॉलिश्ड हो चुका है मार्केट से, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए हैं। लोग प्रेफर करते हैं जो है अच्छे मोबाइल फ़ोन लेना, तो वो चीज़ें आप लोगों की अब बिकेंगी ही नहीं जो पुराने वो मोबाइल फ़ोन देते थे। तो इफ़ेक्ट ऑफ कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन से वजह से क्या हो सकता है, आप मार्केट से बाहर भी हो सकते हो, कंपटीशन की वजह से आपकी चीज़ों की जो सेलिंग है, ठीक है, वो भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। लास्ट वन लिखा है प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। मुझे याद करवाना, मैं एंड में आप लोगों को कंज्यूमर और कस्टमर्स में डिफरेंस भी बता दूंगी। अभी इन्होंने लिखा है कि कंज्यूमर्स को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं उसका भी आपको रिस्क है, कैसे,
व्हेन अ ट्रेडर प्रोवाइड सम फैसिलिटीज टू कस्टमर इट कॉजेज बिजनेस रिस्क टू अदर ट्रेडर्स. अगर मान लो कोई साथ वाली शॉप जो है आप लोगों को शॉपिंग करने पे 500 का या 1000 का वाउचर देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है, या वो किसी तरीके से आपको कोई और कूपन या बाय वन गेट वन की कोई और ऑफर दे रहे हैं, आप दूसरी अपनी पहली वाली शॉप पे जाना बंद कर दोगे, ठीक है. वो सब होता है ना, जब बहुत बार ऐसे होता है कि जब आप लोगों को मान लो दो शॉप हैं, आपको पता है एक शॉप पे हमें वाउचर मिलेंगे, एक शॉप पे आपको नहीं मिलेंगे, तो आप कहाँ पे जाओगे जहाँ पे वाउचर मिल रहे हैं. तो यानी कि दूसरी वाली शॉप को क्या होएगा, नुकसान. दोबारा से ये लाइन पढ़ो. व्हेन अ ट्रेडर प्रोवाइड सम स्पेशल फैसिलिटी, वो स्पेशल फैसिलिटी किसी भी तरीके की हो सकती है, तो नुकसान होएगा दूसरे वाले बेचने वालों को. अदर शैल हैव टू डू लाइकवाइज, कहते उनको भी सेम करना पड़ेगा, अदरवाइज उनकी सेल्स क्या हो जाएंगी, डिक्लाइन, कम हो जाएंगी उनकी सेल्स, ठीक है जी. तो ये है इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से कि मार्केट में कौन कौन से जो हैं इफेक्ट आएंगे जिनकी वजह से हमें रिस्क हो सकता है. अब लास्ट हमारा पॉइंट, अदर कॉजेस. अदर कॉजेस में फर्स्ट वन लिखा हुआ है नेचुरल कॉजेस, ठीक है. नेचुरल कॉजेज में क्या क्या लिखा है, कहते पेरिशेबल गुड्स हैं आप लोगों की, ठीक है. सॉरी, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. दिस इंक्लूड द लॉस कॉज्ड ड्यू टू नेचुरल टेंडेंसी ऑफ सम डिफेक्ट इन थिंग्स एंड मशीन्स. जैसे पेरिशेबल गुड्स हैं, आप लोगों ने बनाई वो सारी बिकी तो ठीक है, नहीं बिकेंगी तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएंगी, दो दिन बाद ख़राब हो जाएंगी ना, तो ये लॉस है, इसको मैं रोक नहीं सकती हूँ. आगे लिखा है डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन, ब्रैकेट में डाल लीजिए इसको, हम और क्या बोलते हैं, दोबारा से मैं इसकी स्पेलिंग लिख देती हूँ जिन बच्चों को नहीं पता, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन होता है वेयर एंड टेयर ऑफ एसेट. अब देखो कहते हैं डेप्रिसिएशन जो आपकी मशीनें, मान लो कि मैं कोई कार लेके आई हूँ, ठीक है, और उस कार को मैंने साल भर बिल्कुल नहीं चलाया या एक बार चलाया, अगले साल अगर मैं बोलूं कि मैं सेम कार मैंने 5 लाख की खरीदी थी, मैं 5 लाख पे ही बेचूंगी, पॉसिबल है, कभी भी नहीं पॉसिबल है. या तो वो 4 लाख की बिकेगी या 3.5 लाख की बिकेगी, पॉसिबिलिटी नहीं है कि 5 लाख की चीज़ आप साल बाद 5 लाख की बेच रहे हो. क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन्स. चाहे वो चीज़ आपने यूज़ करी है चाहे नहीं करी, पर उसका मॉडल पुराना हो गया है, पड़ी पड़ी उसकी वेयर एंड टेयर डेप्रिसिएशन होती रहती है, जिसकी वजह से वो चीज़ सेम प्राइस के ऊपर आपकी नहीं बिकेगी. ये आपके आगे नेचुरल कॉजेस. टेक्निकल कॉजेस क्या होते हैं, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ठीक है. अभी यहाँ लिखा है द अराइवल ऑफ टेक्निकली न्यू मशीन्स, या न्यू टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में आ गई है इसका मतलब पुरानी चीज़ क्या होगी, आपकी आउटडेट हो गई, लोग उस चीज़ को खरीदना पसंद ही नहीं करेंगे. अब जो स्विचेस वाले फ़ोन हैं वो कौन लेना पसंद करता है, कोई भी नहीं. क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी या न्यू मशीन्स आप लोगों की मार्केट में अवेलेबल हैं. तो ये भी आपको क्या है, नुकसान, कि जितनी टेक्नोलॉजी आपकी चेंज होती जाएगी पुरानी चीज़ें जो हैं उनकी डिमांड कम होती जाएगी. मैकेनिकल कॉजेज क्या होते हैं, जो मशीन्स पड़ी हुई हैं, कहते मशीन में या तो पहले से कोई डिफेक्ट था या यूज़ करने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट आया जिसकी वजह से या तो मशीन ख़राब होगी तब भी लॉस है, या मशीन की वजह से कोई नुकसान हो गया तब भी लॉस है हम लोगों को, ठीक है जी. सो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं, ठीक है जी. कॉज्ड बाय सम मैकेनिकल, इनहेरेंट डिफेक्ट भी हो सकता है मशीन में, उसकी वजह से भी आप लोगों को जो है वो लॉस हो सकता है. लास्ट में लिखा है मैनेजीरियल. देखो नेचुरल तो समझ में आ गया था, या तो वो गुड्स हैं अगर पेरिशेबल नेचर की हैं, पेरिशेबल गुड्स वो होती हैं जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाती है, खाने पीने वाली चीज़ें, ब्रेड बटर, ठीक है. तो कहते हैं ये चीज़ें तो आप लोगों की अगर डिमांड है इनकी तो ठीक है, नहीं तो ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी. टेक्निकल कॉजेज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई तो पुरानी चीज़ें ख़राब. मैकेनिकल कॉजेज, मशीन में कोई गड़बड़ थी, ठीक है, उसकी वजह से कोई ब्लास्ट हो गया या वैसे वो काम नहीं करी तो इतनी महंगी मशीन खरीदी वो ख़राब होगी तो नुकसान है. लास्ट में मैनेजीरियल, अगर मैनेजीरियल का मतलब होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब अब क्या है, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए. इफ़ बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर इज नॉट कैपेबल ऑफ फ्रेमिंग फेवरेबल पॉलिसीज, बिजनेस रिस्क इज इनएविटेबल. अगर तो कहते मैनेजर, मैनेजमेंट जो पर्सन थे वो प्रॉपर इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने एफिशिएंट नहीं थे, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई बड़ी ख़राब बना दी जिसकी वजह से हमें क्या हो गया, रिस्क हो गया. तो रिस्क इनएविटेबल होता है, इनसेपरेबल, बिजनेस में रिस्क होना ही होना है,
ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब एक चीज़ थी जो मैंने आपको करानी थी, जिन बच्चों को नहीं पता, काफ़ी बच्चों को पता भी होएगा कि कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस क्या है। कंज्यूमर वो है जो डायरेक्टली चीज़ों को कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल, मैं मार्केट में गई, मैंने सूट ख़रीदा अपने लिए तो मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने ब्रेड बटर लिया अपने लिए तो मैं कंज्यूमर हूँ। बट अगर मैं मार्केट में गई, मैं बहुत सारा, जैसे या हमारे रिटेल शॉप है ना, घर के पास शॉप्स होती हैं, वो बहुत सारा ब्रेड बटर लेके आते हैं, पर वो खुद ही कंज्यूम नहीं करते, वो हमें बेचने के लिए लेके आते हैं, तो वो है कस्टमर। जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं कंज्यूम करने के लिए नहीं, आगे बेचने के लिए, तो वो आते हैं कस्टमर। तो मेक श्योर आगे से आप ध्यान से एक वर्ड यूज़ करोगे कि आप कंज्यूमर हो या कस्टमर हो, हम लोग कंज्यूमर हैं। जो शॉप है, रिटेल शॉप्स हैं, रिटेल आउटलेट्स वाले हैं, वो हमारे हैं कस्टमर्स। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।